एक भूमिगत जगह 2 से 3 किलोमीटर व्यास वाली। कहीं और के जीवन ने इसे एक हवाई अड्डे जैसा चुना है। पैर से नाभि तक वो एक पूरे विकसित आदमी जैसा है, पर इसके ऊपर वो पूरा पारभाषक है। उसकी समस्या ये थी कि वो सौर मंडल में कुछ खास समय पर ही प्रवेश कर सकता था। वो मुझे मेरे शरीर के बिना लेना चाहते हैं। एक दिन उसमें जाकर देखना अच्छा होगा कि है क्या आखिर ये। यहां से जो भी मैं कहने वाला हूं वो बस एक अनुमान और पौराणिक कथा है। हम इनमें से किसी के बारे में भी 100% श्योर नहीं है। हम बस इसे ध्यान से देख रहे हैं। एक चीज साफ है, इस बारे में हम 100% श्योर हैं कि इस झील में जबरदस्त गतिविधियां हो रही हैं, और ये गतिविधि इसकी प्रकृति का इस ग्रह के जीवन की किसी भी चीज से कोई संबंध नहीं है। यह कुछ ऐसा है जो पूरी तरह अलग है। यह जीवन है पर वैसा नहीं जैसा हम जानते हैं। मैं मानसरोवर को आध्यात्मिक जगह नहीं कहूंगा, क्योंकि अध्यात्म इंसानों में से होता है। ये जीव, अगर हम उन्हें यह नाम दे सकें, मुझे नहीं पता कि उन्हें क्या कहना चाहिए, जीव या चीजें या प्राणी या कुछ और। हमारे पास उन चीजों या घटनाओं के लिए कोई शब्द नहीं है जो हमारे अनुभव क्षेत्र में नहीं है। जिसे हम जीवन समझते हैं उनका उसकी किसी भी चीज से ताल्लुक नहीं है। तो अभी के लिए शब्द न मिलने की वजह से हम उन्हें जीव कहेंगे। उनकी प्रकृति का हम जो हैं या कम से कम अभी जिस स्तर पर हैं उससे कोई लेना देना नहीं है। तो वास्तव में ये एक आध्यात्मिक जगह नहीं है, पर किसी तरह कहीं और के जीवन ने इसे एक हवाई अड्डे जैसा चुना है। वो बस यहां लैंड और टेक ऑफ कर रहे हैं एक जबरदस्त गति के साथ। ये पागल कर देने वाला है, ये किसी भी तर्क में फिट नहीं बैठता। क्यों लाखों साल से इस ग्रह की एक ही जगह को उस जीवन द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है जो यहां का नहीं है? क्यों, और क्यों यही जगह, और क्यों इतने लंबे समय तक? क्यों कैलाश को हमेशा कई महान जीवों का घर माना गया है? क्योंकि Because many great beings chose to deposit their work, preserve their work in Kailash. कई महान जीवों ने अपने काम को जमा करने के लिए, अपने काम को सुरक्षित रखने के लिए कैलाश को चुना। खुद शिव से आरंभ होकर और फिर पहले तीर्थंकर और महानतम बौद्ध गुरुओं में से दो ने, इन सभी लोगों ने अपने काम को सुरक्षित रखने के लिए कैलाश पर्वत को एक जगह के रूप में चुना। जब मैं कहता हूं काम को सुरक्षित रखना, तो असल में इस ग्रह पर इन हजारों सालों में जितने भी दिव्यदर्शी हुए उनमें से ज्यादातर को अपने आसपास के लोगों से अगर अपने काम का 1 या 2% भी बांटने का मौका मिला तो वो भाग्यशाली हैं।
अधिकतर को इतना करने को भी नहीं मिलता। तो उन्होंने इसे जमा करने के लिए हमेशा ऐसी जगह को चुना जहां पर लोगों का बहुत आवागमन न होता हो, पर जो जाने के इच्छुक हैं उनके लिए पहुंचने योग्य भी हो। तो कैलाश एक ऐसी जगह है। ये पूरी तरह से न पहुंचने योग्य नहीं है, पर यह इतनी कठिन भी है कि कई सारे लोग को हतोत्साहित करते। इस तरह की कई कई जगहें हैं, पर अगर जमा किए गए काम की मात्रा और विविधता की बात की जाए तो यही एक जगह है। तो इसलिए इसे शिव का घर कहते हैं। इसलिए नहीं कि आप कहीं चट्टान खोदें वो आपको वहां मिल जाए, बल्कि इसलिए क्योंकि वो सब कुछ जो वो जानते थे एक खास ऊर्जा रूप में वहां जमा किया हुआ है। तो उनके जीवन में से हमारे लिए जो भी मूल्यवान है वो सब कुछ यहां है। तो उस तरह से वो यहां जीवित हैं, वो आज भी यहां रह रहे हैं क्योंकि एक ऊर्जा के रूप में वो जीवित हैं। वहां कई जीव जीवित हैं, पर आपको इस बारे में कल्पना शुरू नहीं कर देनी चाहिए, क्योंकि पहली चीज जो लोगों के साथ होती है जब वो कैलाश मानसरोवर आते हैं, वो ऊपर आकाश की ओर देखते हैं, देखो वहां शिव और पार्वती। बैल को मिस मत कर देना। तो मानसरोवर महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब भी शिव, वो थोड़े आवारा किस्म के गृहस्थ हैं, वो भाग जाते हैं, तो उनकी पत्नी पार्वती कैलाश में रहने की बजाय यहां नीचे आ जाती हैं, क्योंकि वहां सब कुछ बर्फ में ढका है। वो यहां आ जाती हैं क्योंकि यहां कम से कम ठंडा पानी तो है, तो वो ज्यादातर यहीं रहती हैं। मैं चाहता हूं आप इसकी कल्पना करें, एक अकेली स्त्री मानसरोवर के तट पर बैठी है और कुछ भी नहीं है। वो एक बच्चा चाहती है, वो एक बच्चे को जन्म नहीं दे पा रही क्योंकि शिव का बीज मानव नहीं है। तो ये साफ है कि उनके साथ वो एक बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। पर जब वो अकेली होती हैं, जब वो शिव के साथ होती हैं तो वो ठीक हैं, पर जब वो लंबे समय के लिए चले जाते हैं उनकी ममता जाग उठी और वो एक बच्चा चाहती हैं। तो एक दिन उन्होंने अपने पूरे शरीर पर चंदन का लेप लगाया, कुछ समय इंतजार किया और फिर धीरे धीरे उस पूरे लेप को निकाला। जब आप ऐसा करते हैं तो कुछ मात्रा में आपकी त्वचा या उसकी कोशिकाएं साथ में आ जाती हैं। इसका उपयोग करके अपनी तांत्रिक शक्तियों से उन्होंने उसे एक बच्चे का आकार देकर उसमें जान डाल दी। एक सुंदर छोटा सा बच्चा आया और उसका साथ पाकर वो बहुत खुश हुई और वो बड़ा हो गया। बस वो दो ही थे और कोई भी नहीं। पार्वती को स्नान करना था तो उन्होंने एक छोटी आड़ बनाकर बच्चे से कहा कि देखना इस तरफ कोई ना आए। तो बच्चे ने इस कर्तव्य को बड़े, उसे अपनी मां की रखवाली करने में बड़ा गर्व है, वो उस स्थिति में है। अब शिव और उसके दोस्त लैंड हुए तो वो अपनी पत्नी को देखना चाहते हैं। वो इस तरफ चले आ रहे हैं और लड़के ने उन्हें रोक दिया और पूछा, आप कौन हैं? शिव ने सोचा, ओ तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं कौन हूं। उसने अपनी तलवार के एक झटके से लड़के की गर्दन काट दी और पार्वती से मिलने चले गए। अपनी पत्नी को 12 साल बाद देखकर वो बहुत खुश हुए, पर पत्नी ने जब तलवार पर खून देखा और वो चिल्लाई और उन पर आतिशबाजी हुई, अब उन्हें नहीं पता कि क्या करें। उन्हें लगा 12 साल बाद उनका भव्य स्वागत होगा, यहां वो उन पर चिल्लाए जा रही हैं, आपको उसे वापस जीवित करना होगा। तो उन्होंने अपने आसपास देखा और गणों के लीडर से पूछा, क्या? उसने कहा, ठीक है। तो उन्होंने उसका सर काटकर बच्चे में लगा दिया, पहला हेड ट्रांसप्लांट। तो अब बच्चे का शरीर इंसान का है और सिर एक गण का, वो भी गणों के प्रमुख का सिर, और एक अंग है जिसमें हड्डी नहीं है, बिना हड्डी का अंग,
तो वो गणपति बन गए, गणों के प्रमुख। फिर कहीं कुछ समय बाद तमिलनाडु के शिवकाशी के कलाकारों ने, क्योंकि उन्होंने कभी कोई गण नहीं देखा था और ये जगह हाथियों से भरी हुई थी, तो एक बिना हड्डी का अंग मतलब वो हाथी के अलावा कोई और कल्पना नहीं कर पाए। धीरे धीरे उन्होंने उनको एक हाथी बना दिया। पर वो जो भी करें, आज भी हर कोई उन्हें गणपति ही कहता है, कोई भी उन्हें गजपति नहीं कहता। ठीक है, वो गणपति हैं, वो गणों के राजा या लीडर या गणों के प्रमुख हैं।